राइट फ्रॉम डिक्टेशन। जैसे ये नाम सुनता है मन में लड्डू फूटते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस सेक्शन से भर भर के नंबर आते हैं आपकी राइटिंग में और आपकी लिस्टिंग में। लेकिन शायद साथ में डर भी थोड़ा सा पैदा हो जाता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि या तो बहुत सारे बच्चे तो इस सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते, लिस्टिंग में टाइम मैनेज नहीं हो पाता, पहुंच भी जाते हैं तो सामने से कैसे निकल जाता सेक्शन ही समझ ही नहीं आता। तो दोनों समस्याओं का समाधान आज हम करेंगे साथ में। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। काफी लंबे समय से शोर मचा रखा था आप सब ने कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो फाइनली लीजिए ये है आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन की वीडियो। आज की इस वीडियो में तीन चीजों पे बात करेंगे मेनली। सबसे पहले डिक्टेशन में क्या होता है, क्या करना होता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। सेकेंडली, डिक्टेशन में कौन सी ऐसी मिथ है जो मिथ आपको स्कोर करने से हमेशा पीछे खींचती है। और तीसरा, मुझे क्या लगता है कि तीन ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से कोई भी बच्चा, वेदर वो आप कह सकते हैं 5 साल का बच्चा, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 7 बैंड तक स्कोर कर सकता है। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलते हैं सीधे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां पे सब कुछ ऑलरेडी पहले से रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिक्टेशन में। पहले बात करेंगे बेसिक्स के बारे में, थोड़ा क्विकली करते हैं खत्म इसको बेसिक्स को। पेपर में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं, कई बार 3, कई बार 4, 5, 6, डिपेंड करता है आपके पेपर कैसा था। दुआ करना भगवान से कि ज्यादा क्वेश्चन आए, जितने ज्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन में आएंगे उतना आपका राइटिंग का स्कोर और लिसनिंग का स्कोर अच्छा होता है। सेकेंडली, जब कंपेयर किया जाए रिपीट सेंटेंस के साथ, तो ये देखा जाता है अक्सर कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में वर्ड जो है कम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिपीट सेंटेंस में 12 से 15 वर्ड आएंगे, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में उतने वर्ड नहीं आते। कितने आते हैं सामने लिखा हुआ, 8 से 12। लेकिन ये जो कम वर्ड आते हैं ये अक्सर थोड़े मुश्किल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपेयर करूँ रिपीट सेंटेंस, रिपीट सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे कि प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर टूडेज लेक्चर एंड द लेक्चर विल स्टार्ट एट 10:30। अब ये काफी लंबा सेंटेंस था, लेकिन प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर टूडेज लेक्चर एंड द लेक्चर विल स्टार्ट एट 10:30। ईजी वर्ड्स हैं, कोई वर्ड मुश्किल नहीं है, पर क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपकी स्पेलिंग का भी टेस्ट होता है, तो इसलिए जानबूझ के ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज लिटल अवेलेबल एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट हिज व्यू पॉइंट्स। अब इसमें लिटल अवेलेबल एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट व्यू पॉइंट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग हो सकता है आपको दिक्कत करेगी थोड़ी सी, तो इसलिए पीटी ने जानबूझ के इसमें मुश्किल वर्ड्स डाले जाते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि एक चीज से अगर एक तरफ से टफनेस बढ़ेगी तो दूसरी तरफ से इसके वर्ड की लिमिट जो है वो कम है। 8 से 12 वर्ड अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि एवरेज बच्चा आसानी से ग्रैब कर पाता है। इसमें एक क्वेश्चन 10 से 12 मार्क्स का आता है। 10 से 12 मार्क्स का मतलब होता है कि आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका वर्ड जो है वो 10 है तो 10 नंबर का है, 12 वर्ड है तो 12 मार्क्स का वो क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसमें एक वर्ड एक नंबर का है, बेसिकली सीधा सा हिसाब है, ज्यादा टेंशन नहीं है। एक वर्ड एक नंबर, तो 6 वर्ड का राइट फ्रॉम डिक्टेशन 6 नंबर का होता है, 8 वर्ड का राइट फ्रॉम डिक्टेशन 8 नंबर का होता है। नेक्स्ट, पॉइंट में कन्वर्ट किया तो 47 पॉइंट बनते हैं, 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन है सबके मिला के राइट फ्रॉम डिक्टेशन टोटल 47 पॉइंट्स का होता है। ज्यादा पॉइंट राइटिंग में है, कम पॉइंट लिस्निंग में। 27 इन राइटिंग, 20 इन लिस्निंग, इसका मतलब ये प्राइमरी तौर पे वैसे तो राइटिंग का सेक्शन है, लेकिन इसको पूछा कहाँ पे जाता है, सॉरी वो है लिस्निंग में। तो राइटिंग में 27 पॉइंट है, लिस्निंग में 20 पॉइंट्स हैं। अगर आप स्पेलिंग एरर करेंगे तो राइटिंग के पॉइंट कटेंगे, कंटेंट लिखोगे नहीं तो लिस्निंग के पॉइंट कटेंगे, तो ये कनेक्शन है। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, बात करेंगे 3 मिथ के बारे में। 3 ऐसी मिथ जिन्होंने जिंदगी बर्बाद कर रखी है काफी बच्चों की। ये मिथ मैं ऐसा नहीं कि मुझे लगता है, मिथ को मैं साबित करने के लिए साथ में एक फोटो भी लेके हूं, आपको दिख रहा होगा। ये फोटो कहां से है पहले ये सुन लें। आप लोगों में से कईयों ने शायद स्कोर गाइड का नाम कभी ना कभी सुना होगा। सो पीटी एकेडमिक ने आपको, आप जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए स्कोर गाइड के नाम से एक बुक बना रखी है। स्कोर गाइड को डाउनलोड करना बड़ा आसान है, गूगल पर जाकर सर्च करें पीटी एकेडमिक स्कोर गाइड, वहां से बुक को डाउनलोड करें। 50 से 60 पेज की बुक है, सब कुछ लिखा हुआ है, किस सेक्शन से कितने नंबर आते हैं, किस सेक्शन के नंबर कटते हैं क्या करने से,
और ये जो मिथ है वो मिथ जिन्होंने भी बनाई है शायद उन्होंने कभी भी वो आधा घंटा बैठ के किताब को कभी नहीं पढ़ा। इस किताब का एक फोटो आपके सामने नीचे है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पार्शियल क्रेडिट को छोड़ो एक बार, आगे चलते हैं सीधा। लिसनिंग एंड रीडिंग में इसका स्कोर जाता है। अगर आपने करेक्ट वर्ड को हाईलाइट किया तो 1 नंबर है, अगर आपने इनकरेक्ट वर्ड को हाईलाइट किया तो उसका -1 नंबर है, और अगर मिनिमम स्कोर इसमें 0 आता है। इसका मतलब अगर आपने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में फॉर एग्जांपल 4 इनकरेक्ट वर्ड को सिलेक्ट किया लेकिन 5 गलत वर्ड पे भी टिक कर दिया तब भी -1 नहीं होगा, मिनिमम 0 ही आएगा। नहीं समझ आया तो छोड़ो इसको, बस इतना समझो कि इसमें -1 लिखा हुआ है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में क्या लिखा हुआ है, दो बातें काम की हैं। ईच करेक्ट वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, करेक्ट वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, दो चीजें काम की हैं। अगर आपने अपने आंसर में एक करेक्ट वर्ड को लिखा है और उसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है, दोनों काम होने चाहिए, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। ईच इनकरेक्ट वर्ड या मिसस्पेल्ड वर्ड का 0 नंबर है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर इनको इतनी दिक्कत होती तो यहाँ पे -1 भी तो लिखा जा सकता था। पीटी एकेडमिक वाले अगर इस चीज के नंबर काटते एक्स्ट्रा वर्ड के तो यहाँ पे लिखा जा सकता था ईच इनकरेक्ट वर्ड -1, ईच मिसस्पेल्ड वर्ड -1, और खाली छोड़ोगे तो 0 आएंगे। तो ये यहां पे क्यों नहीं लिखा हुआ? और अगर आपको लगता है कि सर इसमें कुछ एडिटिंग कर रखी है तो आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, फिर चेक करो जाके। सो पहली मिथ है आपको एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखने चाहिए। मैं कहता हूं कि 150 वर्ड लिखो, कोई नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके 150 में से जो 10 वर्ड आपके करेक्ट हैं उन 10 वर्ड का आपको एक एक नंबर मिलेगा। इनकरेक्ट वर्ड जो पीछे 140 हैं उनकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 तो ऑब्वियसली टाइम ही नहीं होता, मुझे पता है, आप लोग बहुत सयाने हैं मुझे पता है, बट ये कॉमन सेंस है, ये आपको पता होना चाहिए कि इतने वर्ड भी नहीं लिख सकते। 35-40 तो लिख सकते हो कम से कम, तो लिखो खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आया, बहुत लोग कहते हैं यू शुड नॉट राइट एक्स्ट्रा स्पेलिंग। अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती तो बेटा उस वर्ड को बस एक बार लिखो और उसके बाद दोबारा पंगा मत लेना। तो जो भी ऐसा बोले उसको ये दिखाना और पूछना कि कहाँ लिखा हुआ है -1। अगर ऐसा होता तो -1, अरे -1/2 कुछ तो लिखो यार, कुछ तो होता। तो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा स्पेलिंग का, कोई नंबर नहीं कटता, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। एक स्पेलिंग, मान लो एक वर्ड आया शेड्यूल, शेड्यूल की स्पेलिंग नहीं आती, शेड्यूल के पूरे खानदान की स्पेलिंग लिखो, उसमें शेड्यूल्स भी लिखो, शेड्यूलिंग भी लिखो, शेड्यूल्ड भी लिखो, शेड्यूलर भी लिखो, सब कुछ लिखो, कुछ ना कुछ तो सही होगा, कम से कम एक वर्ड तो सही होगा। और अगर 10 स्पेलिंग के बाद भी तुम्हारी स्पेलिंग सही नहीं हो रही तो फिर तुम डिजर्व ही नहीं करते थे वो, है ना? आप कितने शर्म की बात है, सोचो आपने 10 स्पेलिंग लिखी एक वर्ड की और उनमें से एक भी सही नहीं हुई तो कितना फिर तो क्या तो तुम मत्था मार रहे हो, क्यों पंगा ले रहे हो इतना बड़ा, छोड़ो इसको। सो द पॉइंट इज एक्स्ट्रा वर्ड कोई मैटर नहीं करता, एक्स्ट्रा स्पेलिंग कोई मैटर नहीं करती। निश्चिंत होके जितने मर्जी वर्ड की जितनी मर्जी स्पेलिंग लिखो, डाउट है तो उसके पूरे खानदान की स्पेलिंग लिखो। सर मुझे याद नहीं है कि उसने वहां पे वर्क लिखा था कि वर्कर था कि वर्किंग था कि वर्क्स था कि क्या था, तो सब कुछ लिखो ना यार, किसने मना किया है। सबसे लास्ट में यू शुड ओनली राइट इन सीक्वेंस, इसका मतलब अगर उसने कहा राम इज ए बॉय तो आपको 4 वर्ड को उसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। पता नहीं कौन कहां से क्या सिखा रहा है, रिपीट सेंटेंस में ऐसा है, रिपीट सेंटेंस में सीक्वेंस मैटर करता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में राम इज ए बॉय, इज बॉय राम, इज ए राम बॉय, इज राम राम रहीम, जो मर्जी सबका नाम लिखो, उसके बाद बॉय ए एन द सब कुछ, और उसके बाद आप सॉरी उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ और बात को खत्म करो, तो कोई मैटर नहीं करता। सब बार आपका स्कोर 4 आएगा, राम इज ए बॉय, 4 वर्ड 4 नंबर, आपने जैसे मर्जी लिखे हैं कोई मैटर नहीं है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। इससे ज्यादा आसान कोई सेक्शन पीटी में हो सकता है क्या? आपको क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि बेटा 10 वर्ड बोलेंगे आपको, 10 वर्ड लिखने हैं, फिर उन्होंने कहा चलो एक काम करना आप जितने मर्जी लिखना, बस मेरे वाले 10 उसमें होने चाहिए। लेकिन सेकेंडली आपको अगर नहीं आता ना कोई वर्ड, आप उसकी स्पेलिंग जितनी मर्जी लिखना, बस मेरे वाली एक करेक्ट स्पेलिंग भी होनी चाहिए। तो बड़े शर्म की बात है अगर आपने अभी भी इसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा इजी सेक्शन है, आगे चलते हैं, अभी सीधा चलते हैं मेथड की तरफ। तो मैं आपको 3 मेथड सिखाऊंगा, 9 बैंड मेथड, 8 बैंड मेथड एंड 7 बैंड मेथड। मेरा फेवरेट 9 बैंड पहले था, आजकल 8 बैंड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं मैं। 9 बैंड वाले में ना ज्यादातर बच्चे अटक जाते हैं, सब बच्चे 9 बैंड वाले मेथड के लायक नहीं है। अगर आप नहीं हो तो मत्था मत मारना,
जस्ट मूव ऑन, एट बैंड वाली मेथड की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा स्कोर एट बैंड वाली मेथड से। मैंने जिंदगी में पहली बार जब 90 किया था लिस्टिंग में, तब मैं ये एट बैंड वाला मेथड यूज करता था। नो बैंड वाला तो मुझे पता भी नहीं था तब, फिर भी आठ की जगह नो आए। तो अगर मैं यहाँ पे एट बैंड मेथड लिख रहा हूँ उसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे आठ बैंड ही आते हैं, उसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी शक्लें दिख रही हैं, मुझे तुम्हारे चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आठ ही हैं, तो मैंने आठ लिखा, वरना नो भी आते उससे। तो एक एक करके शुरू करते हैं, पहले मेथड की तरफ चलते हैं। सबसे पहला नो बैंड का मेथड है। नाइन बैंड मेथड में पांच स्टेप है, कॉपी पेन रखो साथ में, लिखते रहना साथ के साथ। पांच स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है लिसन, सेंटेंस को सुनना है चुपचाप, आंखें बंद करके सुने तो ज्यादा बेहतर है। लिसन टू द ऑडियो विद क्लोज्ड आईज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स सेइंग। आंखें बंद करके ऑडियो को सुने और ये समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके मीनिंग को समझे। अब यहीं पे कहीं बोलेंगे सर मीनिंग तो समझ ही नहीं आता, तो आप नो बैंड वाला पार्ट स्किप कर दें, आठ बैंड पे जंप कर जाएं सीधा। सबसे पहला काम है सेंटेंस को सुनना, लिसन करना, अच्छे से सुनना ताकि आपको उसका मीनिंग समझ आए। लिसन करना हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको अच्छे से सुन गया है, अगर आपने सेंटेंस के मीनिंग को समझ लिया है, तो सेकंड नंबर पे तुरंत हाथों हाथ करना है विजुलाइज। विजुलाइज करना नो बैंड वाले मेथड की खासियत है। आठ बैंड वाले मेथड में, सात वाले में विजुलाइज का नाम ही नहीं आएगा। पहले ये समझते हैं कि विजुलाइज का मतलब क्या होता है। तो विजुलाइज का बेसिकली मीनिंग है कि आपने बात के मतलब को आंखों के सामने देखना है। इस तरह से देखना है कि आप बाद में अगर उस सेंटेंस को हिंदी अनुवाद करके किसी को बताएं, तो आपको बड़ी आसानी से उस सेंटेंस को उसका ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस अगर मैं आपके सामने कहूँ कि प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर टू डेज लेक्चर, तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप सेंटेंस के मतलब को समझे, प्रोफेसर स्मिथ आज के लेक्चर में लेट आएंगे। लेकिन आप ये भी विजुअलाइज करें कि ये सेंटेंस किसने, किससे, कब, कहाँ, किस सिचुएशन में कहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेंटेंस है प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट, मुझे देख के ऐसा लग रहा है, समझ के ऐसा लग रहा है कि शायद ये सेंटेंस जैसे एक क्लास में काफी सारे बच्चे बैठे हैं और उन बच्चों के सामने आके किसी मैनेजमेंट मेंबर ने, मैनेजमेंट टीम के मेंबर ने आके कहा कि प्रोफेसर स्मिथ आज के इस लेक्चर के लिए लेट आएंगे, तो बच्चों का क्या एक्सप्रेशन होगा, वो सब चीजें मैं वहां पे विजुअलाइज करूंगा। मैं ऐसे इमेजिन करूंगा कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मैं उस क्लास में बैठा था। इसको करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कारण क्या है इसका, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, जब आप सेंटेंस को सुनते हैं, सुनने के बाद जब आप उसको लिखने बैठेंगे, तो कई बार ऐसा होता है स्पेलिंग नहीं आती या कुछ ऐसा हो गया कि सेंटेंस में से एक आधा वर्ड हमें क्लियरली नहीं सुना या फिर हम उसको समझ नहीं पाए। अगर आप सिर्फ सुन के और लिखने बैठेंगे, तो विजुलाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीच में से हो सकता है आप कुछ वर्ड्स को भूल जाएंगे कि क्या कहा गया था, क्या बोला गया था। वर्ड्स को याद रखने के लिए हमारा ब्रेन नहीं बना, लेकिन सेंटेंसेस को याद रखना या उनकी फीलिंग को याद रखने के लिए हमारा ब्रेन काफी अच्छे से काम करता है। सो दैट इज वाई विजुअलाइज करें, देखें कि ये सेंटेंस किसने, किससे, कब, कहाँ कहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस आता है माई ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटिंग इन ए गार्डन, तो आप ऐसा विजुअलाइज करें कि आपके दादी दादू सच में गार्डन के अंदर बैठे हैं और आपको दिखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है। बहुत बच्चे यहाँ पे ये होंगे, सर हमें समझ ही नहीं आएगा हम कैसे विजुलाइज करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मेथड आपके लिए नहीं है, ये मेथड सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको सेंटेंस सुन जाता है। बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना आप लोग कि सुनता तो है लेकिन सर बाद में बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता। तो सुनता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, भूल जाते हैं, उसका जुगाड़ ये है, सुने और विजुलाइज करें। विजुलाइज करने के बाद आपको इनिशियल राइटिंग करनी है। इनिशियल राइटिंग का मतलब होता है कि आपको हर वर्ड का इनिशियल जो है वो अपनी नोटबुक में या वहां पे, एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो वहां पे इरेजेबल बुकलेट है उसके अंदर आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने सेंटेंस आया, देयर इज लिटिल अवेलेबल एविडेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट हिज व्यू पॉइंट, देयर का टी इज का आई, लिटिल का एल, अवेलेबल का ए, एविडेंस का ई, ये सब कुछ आपको वहां पे नोटबुक में जल्दी से जल्दी मेंशन करना है। और साथ में रीगर्गिटेटिंग लिखा हुआ है, व्हाइल रीगर्गिटेटिंग राइट डाउन इनिशियल्स ऑफ फोर वर्ड। रीगर्गिटेटिंग का मतलब होता है अपने मन में इसको दोहराते रहना लगातार सेंटेंस को। अगर आप लिखने में बिजी हो जाएंगे तो हो सकता है कि सेंटेंस का एंड वाला पार्ट आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि दिमाग में घुमाओ। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में समय काफी होता है, लास्ट में इसको दो तीन बार घुमाओ, घुमाने के साथ साथ लिखते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देर इज लिटिल अवेलेबल एविडेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट हिज व्यू पॉइंट, देर इज लिटिल अवेलेबल एविडेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट, और मैं सोच भी रहा हूँ साथ ही साथ हर बार एक दो वर्ड लिखता जा रहा हूँ। इस तरह से जब मेरे सारे वर्ड के इनिशियल्स लिखे जाते हैं, तो मैं तीसरा स्टेप खत्म कर लेता हूं। नेक्स्ट नंबर चार पे फुल लिखना है। फुल लिखने का मतलब है अभी भी टाइपिंग स्टार्ट नहीं करनी है, अभी भी अपनी उसी नोटबुक में, अभी उसी बुकलेट में
आपको अपने फुल वर्ड्स को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देयर की जगह, अब देखो टी आपने पहले लिखा था इनिशियल में, तो उसकी जगह टी एच आर। अब एच आर का मतलब मुझे बाद में समझ आ जाएगा कि ये देयर लिखा है। स्पेलिंग, डोंट माइंड स्पेलिंग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब स्पेलिंग की चिंता नहीं करनी कि स्पेलिंग सही है या गलत है, जस्ट लिखना है कि स्पेलिंग जैसी भी है डजंट मैटर, बस हमें एक बार ऐसा लिखना है कि बाद में मुझे 2 दिन बाद भी कोई वो बुकलेट दिखाए और पूछे ये क्या लिखा था, तो मुझे पता हो कि यहाँ पे देयर लिखा था। देयर इज तो आई एस लगाना है, लिटल एल लिखा हुआ था टी एल और लिख देंगे, अवेलेबल ए लिखा हुआ था पहले इनिशियल में, फाइनल में वी एल बी एल अवेलेबल, एविडेंस ई वी डी एन एस या सी कुछ भी लिख दो। टू का टी ओ कॉन्ट्राडिक्ट सी एन टी आर डी सी टी कॉन्ट्राडिक्ट हिज व्यू पॉइंट। अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फुल लिखते टाइम ये ध्यान रखें कि हमेशा सेंटर में जो स्पेलिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल व्यू पॉइंट्स, तो व्यू का वी आपने इनिशियल में लिखा, वी के बाद डब्ल्यू पी एन टी, अगर आप इतना लिखेंगे तो ये ठीक है, स्पेलिंग आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इसका जो एंडिंग है ना उसको जरूर क्लियरली मेंशन करना। फॉर एग्जाम्पल व्यू पॉइंट्स है तो आई विल हाईली रिकमेंड, मैं पूरी तरह से ये इसके पक्ष में हूं कि आप उस पूरी स्पेलिंग को जैसे मर्जी लिखें लेकिन एंडिंग में वो एस जरूर मेंशन करना, ताकि व्यू पॉइंट्स जब आप टाइपिंग करो तो याद रहे कि यहाँ पे व्यू पॉइंट्स था, व्यू पॉइंटिंग नहीं था, व्यू पॉइंटर नहीं था, है ना। कुछ और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो आपने एक वर्ड लिखा राइट, फॉर एग्जाम्पल राइटर या राइटिंग कुछ ऐसा था, आपने डब्ल्यू आर टी सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, तो उससे राइटर भी बनेगा, राइटिंग भी बनेगा, राइटिंग्स भी बनेगा, या फिर रिटर्न भी बन सकता है, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। तो हमेशा उसकी जो एंडिंग है उसको जरूर क्लियरली लिखें, ताकि बाद में जब आप उसको टाइप करें तो आपको बड़ी आसानी से याद हो कि इसकी एंडिंग में ये आया था। नो डाउट आप सारे वर्ड लिख सकते हैं, राइटिंग रिटर्न राइट्स, है ना, जितने भी वर्ड है सारे लिख सकते हैं, बट फिर भी देखो कई बार समय नहीं होता तो हमें क्विकली चलना पड़ता है, एक एक वर्ड को हम नहीं लिख सकते, तो इन दैट केस मैं चाहता हूं कि आप केवल उस एंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रखें। सो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सुना, सुनने के बाद हमने उसको विजुलाइज किया, दिमाग में चलाया एक बार कि क्या चल रहा है, ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, अभी तो मैं बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं लेकिन ये सारा कुछ 3-4 सेकंड में होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। इनिशियल राइटिंग में आप क्विकली इनिशियल लिखते हैं रीगर्गिटेट करते हुए, फुल राइटिंग में आप उसको पूरा कर देते हैं, साथ में रीगर्गिटेट अभी भी करते रहना। अच्छा, सबसे लास्ट में अब क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे, तो स्टार्ट टाइपिंग सबसे लास्ट में। फुल राइटिंग का क्या मतलब है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर इतना टाइम हम लगाएंगे, 15 सेकंड इसमें लगाएंगे, उससे बेहतर है कि हम सीधा टाइपिंग ही कर दें। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपके पेपर में यही क्वेश्चन है, देर इज लिटिल अवेलेबल एविडेंस, अब मान लो आपको एविडेंस की स्पेलिंग नहीं आती, तो आप एविडेंस की अलग अलग स्पेलिंग के बारे में सोचोगे, और बाद में आपके सामने व्यू पॉइंट का वी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको याद नहीं आएगा कि इस वी से क्या बनना है, व्यू पॉइंट बनना है या फिर वेरीफाइबल बनना है या फिर वेरीफाइड बनना था या फिर व्यूवरशिप बनना, वो भी याद नहीं आता ऑन द स्पॉट। सो इट्स टोटली फाइन आप उस वर्ड को फुल लिखें, ताकि बाद में जब आप वी डब्ल्यू पी एन टी लिखा देखेंगे तो टाइप करते टाइम याद आ जाएगा, चाहे आप उस टाइपिंग के उस आखिरी वर्ड तक 15 सेकंड बाद पहुंचे, 20 सेकंड बाद पहुंचे, तब भी याद आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड था, व्यू पॉइंट्स था। अब होप आपको समझ आया होगा 9 बैंड मेथड, लिसन विजुलाइज इनिशियल लिखो फाइनल लिखो फुल लिखो मतलब एंड टाइप करो। तो दीज आर द 5 स्टेप्स फॉर 9 बैंड। मूविंग फर्दर आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 8 बैंड मेथड। 8 बैंड मेथड में आप देखो कि केवल 3 ही काम करने, तो वो 9 बैंड मेथड वाले आखिरी के 3 स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब की बार आप सेंटेंस को सुनते हैं और सुनने के साथ की साथ ही आप उसके इनिशियल भी लिखते रहे। तो मैं ऐसे इमेजिन करता हूं कि आप लोग अपना हेडफोन पहन के बैठे हैं और आपने अपने पास एक पेपर पेन रखा हुआ है, आपने अब की बार आंखें बंद नहीं रखनी है, ठीक है। रीगर्गिटेटिंग नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको सीधा राइट डाउन इनिशियल करने ऑल वर्ड्स के। तो आप अपनी गर्दन ऐसे नीचे करके बैठे हैं और जो सुनता जा रहा है आप उसका हर वर्ड का इनिशियल जो है वो साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं। सेंटेंस खत्म हो जाएगा, 2-3 सेकंड आपको एक्स्ट्रा भी लगेंगे और आप उसके इनिशियल फिर भी लिख रहे होंगे। क्लास में हम इस चीज की प्रैक्टिस भी करते हैं, बच्चे काफी अच्छे से इस चीज को कर पाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। एज कंपेयर टू 9 बैंड मेथड, ये मेथड ज्यादा मुश्किल लगता है मुझे हमेशा, क्योंकि इस मेथड में ज्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लंबे सेंटेंस, 12 वर्ड का सेंटेंस है, हर वर्ड का इनिशियल लिखना साथ ही साथ आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे करते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे इस मेथड को यूज करते हैं और वो ये मेथड बड़े आसानी से यूज कर लेते हैं।
तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं एंड फुल जब आप लिखेंगे, इनिशियल लिखने के बाद फुल पे आएंगे तो फुल का मतलब वही सेम है और टाइप का मतलब भी सेम है। तो अब की बार मोर ऑफ ये कंडीशन, ये जो पूरा केस है, मतलब 8 बैंड वाला मेथड जो है, ये मेथड एक्चुअली में इतना ज्यादा पैसिव नहीं है। जैसे 9 बैंड वाले में तो आप आराम से बैठे और सोच रहे हैं और उसके बाद आप आराम से लिख रहे हैं फिर टाइप कर रहे हैं। इसमें सब कुछ ताबड़तोड़ हो रहा है, आप बोलने के साथ साथ लिख रहे हैं, फिर तुरंत आपने फुल कर लिया, फिर उसके बाद टाइपिंग आप आराम से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड बीच में ऐड करते जाओ और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, पहला अक्षर कैपिटल। ये भी सवाल होता है सर इसके नंबर कटते हैं, कोई नंबर नहीं कटता, लेकिन कोई नुकसान नहीं है एंड में फुल स्टॉप लगाने का और शुरू में कैपिटल लिखने का। तो प्लीज वो काम करें एंड इनिशियल लिखो, फुल लिखो एंड देन टाइप करो। दिस इज 8 बैंड मैथड। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है इसमें, लेकिन ये मैथड बहुत काम का है उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आता। सुनना है साथ के साथ हर वर्ड का इनिशियल लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूं इट विल टेक ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कम से कम 3-4 दिन तक तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है अभी इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। कोई भी वर्ड आपके सामने मैं बोलूंगा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वेयर आर ए कमिंग सी यू वाई फ्रॉम एफ, तो ये सब कुछ एक अचानक से सब कुछ दिमाग में रखना आसान नहीं है, लेकिन ओवर टाइम विथ प्रैक्टिस आप ये चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ये 100% बहुत अच्छा मेथड है। सबसे लास्ट में मैंने आप सबसे एक वादा किया था, मैंने आप सबसे कहा था कि मेरे ख्याल से एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा भी पीटी में राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 7 पॉइंट डिजर्व करता है। तो कैसे करता है मैं आपको साबित भी करूंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा हूं मैं, आपके घर में 7-8 साल का छोटा बच्चा हो उससे बोलना कि वो करके दिखाए। सो 7 बैंड वाले मेथड में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान से समझे कि हमें 7 बैंड वाले मेथड के लिए करना क्या होता है। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि सेंटेंस भाड़ में जाए सारा, हमें उस सेंटेंस में से केवल 4 वर्ड्स को पिक करना है, सिर्फ 4 वर्ड, और ये 4 वर्ड बड़े वर्ड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देर इज लिटल अवेलेबल एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट हिज व्यू पॉइंट, लिटल अवेलेबल एविडेंस व्यू पॉइंट, 4 सॉरी, लिटल अवेलेबल एविडेंस व्यू पॉइंट। या फिर मैंने कहा कि ए नंबर ऑफ न्यू टेक्नीशियंस हैज एंटर्ड द डेवलप्ड मार्केट, तो टेक्नीशियन एंटर्ड डेवलप्ड मार्केट, 4 वर्ड मैंने ये उठा लिया। कोई भी राइट फ्रॉम डिक्टेशन आएगा उसमें कम से कम 4 बड़े वर्ड आपको मिल जाएंगे, तो आपको बस वो 4 बड़े वर्ड, बड़ा इज इंपॉर्टेंट, छोटे नहीं, जैसे दा इन ओन ये नहीं उठाना, बड़े वर्ड है ना, 4 बड़े वर्ड को उठाया और बाकी सब मोह माया उसको छोड़ दो और सिर्फ 4 बड़े वर्ड को आपने लिख लिया अपने नोटबुक में, उसको साफ साफ आराम से टेक यू टाइम उसको लिख लिया। और जैसे ये काम हो गया तो उसके बाद आपको एक टेम्पलेट को याद रखना है, वो टेम्पलेट ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी सारे और मेक श्योर कि मेरी उसमें स्क्रीनशॉट में अच्छी सी फोटो आ जाए और वो स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करके रखना। एंड ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में आप देख सकते हो सब कुछ है, मतलब जितना मसाला हमें मिल सकता था सारा मसाला हमने इकट्ठा करके इस टेम्पलेट में रखा हुआ है। ए एंड द एनी प्रपोजिशंस एंड दस, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब्स और सबसे लास्ट में प्रोनाउन है। शुरुआत में आर्टिकल है, फिर प्रपोजिशन है, दस है, लो ऑफ इन एट फोर बाय विद टू फ्रॉम फोर ऑन एंड एन, प्रपोजिशन एंड तो नहीं है खैर। इसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब्स है काफी सारी, देखो ध्यान से। और सबसे लास्ट में आप देखोगे कि हमारे पास कुछ कंजंक्शंस हैं, सॉरी प्रोनाउंस हैं। तो ये एक पूरा टेम्पलेट है, आपको क्या करना है वो 4 वर्ड जो आपने उठाए थे अभी वो 4 वर्ड यहाँ पे टाइप करने हैं। ए एंड द एनी के बाद पहला वर्ड, सर स्पेलिंग नहीं आई तो क्या करूंगा, तो भैया लिखो ना यार 12 स्पेलिंग लिखो उसकी, फिर ओन एंड के बाद दूसरा वर्ड, फिर से 15 स्पेलिंग उसकी लिख देना, फिर तीसरा और चौथा, 4 वर्ड यहाँ पे लिखना। आप कोई भी सेंटेंस उठा के देखो अभी इसी वीडियो के खत्म होते ही, एपी यूनी पे जाना, किसी भी साइट पे जाना और कोई भी सेंटेंस उठाना, यू विल सी कि 4 वर्ड आप उठाएं, 4 वर्ड का वादा मेरा लिख के ले लें, एवरेज 4 वर्ड मेरे कम से कम 4 वर्ड है यहां से निकल के आएंगे। 8 वर्ड हमने कर लिए, 10 टोटल आते हैं, 10 में से 8 वर्ड अगर हमारे आ गए तो 7 बैंड क्यों नहीं आएंगे, 7 बैंड तो हो गए ना, इसी को तो कहते हैं एवरेज 80% स्कोर है, 80% का मतलब 7 बैंड ही होता है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 7 बैंड का मेथड है। और वादा है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ सर आपने सेंटेंस कोई उठा लो, किसी वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे तुम्हें भरोसा उस वेबसाइट से क्वेश्चन उठाओ, 30 क्वेश्चन, 40, 50, 100, 200, 300 क्वेश्चन करो और मुझे एवरेज बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना अगर आपको लगे कि सर नहीं आ रहा, 4 वर्ड तो नहीं मिल रहे, 5 वर्ड तो नहीं मिल रहे।
अब देखो ये फायदा क्या है इस टेम्पलेट का, ये उन्हीं तीन मिथ के ऊपर काम करता है। उन्होंने कहा था एक्स्ट्रावर्ट ऐड नहीं कर सकते, देखो मैंने करके दिखाया, और ये मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं, आज नहीं बहुत पुराना टाइम से। सेकंड, एक्स्ट्रा स्पेलिंग वो तो हम लिख ही रहे हैं बारह बारह। तीसरा, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो वो चार वर्ड का वो कहाँ है कहाँ नहीं है कोई मैटर नहीं है। जब कल को तुम थोड़े और स्याणे हो जाओ, स्याणे मतलब हम सब बड़े हो चुके हैं, अब चार की जगह हम पांच वर्ड उठाना चाहते हैं, तो बहुत खुश होके बच्चे आते हैं, तो पांच उठाओ ना कोई दिक्कत नहीं, बीच में एक जगह कहीं और स्पेस डाल देना, ये अंदा है नहीं। आठ दस प्रपोजिशन, इज आर वॉज वर के बाद या हैज हैव हैड के बाद बीन से पहले यहां पे एक वर्ड और ऐड कर दो, जहां मन करे लास्ट में ऐड कर दो दोनों एक साथ, मतलब चार वर्ड कम से कम चाहिए, चार से ज्यादा तुम्हारी मर्जी है, पांच करो तो बहुत अच्छा, छह करो तो, लेकिन फिर भी बात है बड़े वर्ड हमें चाहिए, छोटे नन्हे नन्हे वर्ड हमें यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करने। आई होप आपको समझ आया होगा आज का पूरी क्लास में क्या कुछ सिखाया गया, क्या है हमारे मेथड। सात बैंड का मेथड सबसे ज्यादा इजी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर याद रखें, सात बैंड का मेथड आप अभी प्रैक्टिस करेंगे आपको ऐसा लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो बड़ा इजी है, मैं अभी कर सकता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी मेथड के साथ चिपक के बैठे रहें। ये मेथड सात बैंड का ही है, और सात बैंड अच्छा स्कोर नहीं है, आठ बैंड नौ बैंड हमें करने हैं। इन दैट केस मैं चाहता हूं कि इट्स लाइक आप इमेजिन करें कि आप विराट कोहली हैं, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, और विराट कोहली को एक शॉट खेलना बहुत अच्छे से आता है, दैट इज कवर ड्राइव। तो विराट कोहली को कवर ड्राइव बहुत अच्छे से आता है, बट उसको पुल शॉट खेलना नहीं आता। अब आपको क्या लगता है, जब वो नेट्स में प्रैक्टिस करता होगा तो क्या वो कवर ड्राइव खेल खेल के खुश होता रहता होगा, वाह यार मैंने कितना अच्छा खेला, या फिर अगली बार और वाह मैंने कितना अच्छा किया, या फिर आपको लगता है कि वो मेहनत करता होगा अपने स्किल को शार्प करने पे, पुल शॉट पे। सो मेरे ख्याल से आंसर जेन्युइन है कि यहाँ पे पुल शॉट पे मेहनत की जाती होगी, जो नहीं आता उस पर मेहनत करते हैं, जो आता है उसी के ऊपर मेहनत करके राजी होने का कोई फायदा नहीं है, खुश होने का कोई फायदा नहीं है। तो आठ बैंड पे जाएं, नौ बैंड पे जाएं, एफर्ट करें, मेहनत करें इसके लिए। ये सेक्शन फ्री के नंबर देके जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा वर्ड लिखने की परमिशन है, आपको एक्स्ट्रा स्पेलिंग लिखने की परमिशन है, टेंशन कोई है ही नहीं, तो फिर क्यों पंगा ले रहे हो, ऐसे तंग हो रहे हो काफी टाइम से। फिलहाल एक बार आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर बनाए बता देना। रीडिंग हमारा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में भी अभी आगे और वीडियोज आने वाली हैं। फिलहाल एक बार यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।